हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज वी ऑल नो, रोज़ वाटर हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एक्ने पिंपल से फाइट करता है। इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन मेक योर ओन DIY रोज़ वाटर एट होम विच इज़ 100% प्योर एंड नेचुरल। इसे एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं जो स्किन को हाइड्रेट रखता है, पफिनेस को रिड्यूस करता है। दिस इज़ बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। सनबर्न और रैशेस को ट्रीट करने के लिए एक परफेक्ट रेमेडी है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है 2-3 रोजेस और दूसरा 1 ग्लास क्लीन वाटर, और एक स्प्रे बॉटल लगेगा जहाँ पर हम ये रोज़ वाटर स्टोर करके रखेंगे। सबसे पहले रोज़ पेटल्स को तोड़ के अच्छे से एक बाउल में निकाल लेंगे। अब वाटर को बॉईल कर लीजिए और पेटल्स के ऊपर डाल दीजिए। इसे कवर कर दीजिए और ऐसे ही हम इसे रखने देंगे करीबन 1 घंटे के लिए, यानी कि जब तक ये ठंडा ना हो जाए। एक घंटे के बाद आप ये देखिए, हमारा प्योर 100% नेचुरल रोज़ वाटर रेडी है। इसे एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके आपके स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रख दीजिए। इसे एक कोल्ड एरिया में रख दीजिए और इसे 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में रख दीजिए और आप इसे 2 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। इसे आप डेली बिफोर बेड यूज़ करें, यानी कि सोने से पहले इसे ज़रूर अप्लाई करें एज ए टोनर। आफ्टर अप्लाइंग मेकअप और व्हेन यू कम बैक फ्रॉम आउटसाइड, वॉश योर फेस एंड स्प्रे दिस रोज़ वाटर ऑल ओवर योर फेस एंड यू विल फील द फ्रेशनेस इंस्टेंटली एंड दिस विल कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे कई सारे DIY वीडियोज़ और होम रेमेडीज़ के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।